डीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा मतदाताओं को इस लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करने हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन लखनऊ के 1090 चौराहे पर किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएं एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही आशा है कि लोग इस नुक्कड़ नाटक आदि से प्रेरित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने जाएंगे। आइए बात करते हैं बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्वा मिश्रा बीएनसीटी कॉलेज की तरफ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं एमबीए के छात्रों के साथ और अपने फैकल्टी के साथ यहाँ पे आई हूँ और युवाओं में एक जागरूकता जगाने कि वोट डालना क्यों ज़रूरी है। इसके साथ हमने एक मैसेज ये भी दिया है कि औरतों को, महिलाओं को वुमन एम्पावरमेंट बढ़ाते हुए कि हमें वोट डालना क्यों ज़रूरी है। और हमारा नारा क्या है वोट डालो का बच्चों? वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन वोट। धन्यवाद। तो क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं जिसकी मांग काफी समय से भारत में हो रही है और कई पार्टियां भी उसके लिए सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा ये भी मानना है और हमारे बच्चों का मानना है कि वोट डालना द्वारा बहुत जरूरी है। सिर्फ हम नेशन को ना माने लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम आगे बढ़े और अपने माता पिताओं को प्रोत्साहित करें और जो 18 के ऊपर है और जो पहली बार मतदान करने डाले उनको हम जागरूक करके वोट तक पहुँचाएं। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है और शायद विश्व में भारत की ये बहुत बड़ी पहचान है। एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, एक जनतंत्र है, एक गणतंत्र है जिसमें हर नागरिक का न सिर्फ वोट डालना कर्तव्य है बल्कि हर नागरिक को एक बहुत बड़ा रोल भी संविधान ने दिया है। फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं। तो जब तक हम लोग अपने जो निर्वाह करते रहेंगे, अपनी ड्यूटीज़ का, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, भारत मजबूत रहेगा। और युवाओं में इस बात का जोश होना चाहिए, जैसे जैसे हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बने और हम गणतंत्र को और मजबूत करें, सबकी आवाज़ एक साथ उठाएं, तो हम लोग वोट ज़रूर डालें। और वोट डालने से हम एक प्रगतिशील समाज और एक संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं जिससे सारे लोगों की भागीदारी भारत राष्ट्र के निर्माण में और विकसित भारत में हो पाए। देखिए, लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसे प्रयास उठाए गए हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, इसके लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया से बढ़ाए गए। हमें लगता है कि जैसे जैसे चुनाव प्रणाली को आसान किया जाएगा, आम जनता से जोड़ा जाएगा और पॉलिटिकल जो पार्टी के और पॉलिटिकल प्रोसेसेस आसान किए जाएंगे, लिबरलाइज किए जाएंगे, तो हम देखेंगे आम जनता से भी पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, जागरूकता बढ़ती जाएगी, लोगों में नेतृत्व का एक चलन बढ़ता जाएगा, अपनी आवाज़ दिल्ली तक और हर जगह, जो सबसे बड़ा पंचायत का मंदिर है पार्लियामेंट तक, वहाँ तक उठाने का एक सौभाग्य सबको मिलेगा। तो बिल्कुल जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ना चाहिए और उसमें युवाओं को भागीदारी निभानी चाहिए। बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लखनऊ के 1090 चौराहे पर मतदाताओं के जन जागरूकता हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। हमने बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी से बात करी। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि हम किसी भी प्रकार से मतदाताओं को अपना वोट डालने के प्रति जागरूक कर पाएँ। भारत में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कोशिशों के बाद भी शत प्रतिशत नहीं हो पा रहा है। इसी मतदान को शत प्रतिशत करने के उद्देश्य लेकर हम इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं। वीडियो जनरेटर अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।